हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्लास 11 का लेक्चर नंबर सेकंड। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि किस तरह से जो लिक्विड है वो रेगुलर मोशन में भी मूव कर सकता है और इरेगुलर मोशन में भी मूव कर सकता है। अब हम उनकी एप्लीकेशंस देख रहे हैं कि पानी के अगर वो रेगुलर वे में डिसिप्लिन से मूव कर रहा है तो कौन कौन सी एप्लीकेशंस आती हैं, ठीक है। और अगर वो इरेगुलर वे में मीन्स बिल्कुल नॉटी स्टूडेंट्स की तरह मूव कर रहा है तो कौन कौन सी एप्लीकेशंस हमें रियल लाइफ में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेगुलर मोशन की एप्लीकेशंस। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये है क्या एक्चुअल में और रियल लाइफ में कहाँ पे यूज हो रही है चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे इस फिगर के अंदर देख रहे हो कि जब हम पाइप को बिल्कुल ओपनली ऐसे पानी डाल रहे हैं तो वहां पे जो फ्लो होता है वो कुछ और होता है, उसकी वेलोसिटी बिल्कुल स्लो होती है। लेकिन जैसे ही हमने इसको फिंगर से प्रेस कर दिया, फिंगर से प्रेस करने से इसका एरिया कम होगा और फ्लूइड बहुत ज्यादा मोशन में मूव करने लगेगा, मीन बहुत ज्यादा दूर तक पानी गिरेगा, ठीक है। तो ये कहां से एक्सप्लेन किया जाता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, कि ऐसा क्या होता है पाइप वही है, पानी भी उतना ही आ रहा है यहां से, अगर हम ऐसे गिरा रहे हैं तो पानी की स्पीड कम होती है। जैसे ही हमने यहां से फिंगर से लगा दी, एरिया कम कर दिया या फिर उसको दबा दो, ऐसे दबाने से क्या होगा, एरिया कम हो जाएगा। कम एरिया होने से जो लिक्विड है बहुत ज्यादा स्पीड से आगे गिरता है, ऐसा क्यों होता है, जबकि होना उल्टा चाहिए कि जैसे ही हम उसका एरिया कम कर रहे तो लिक्विड की स्पीड कम होनी चाहिए, ठीक है। जनरली हम यही बोलेंगे कि ज्यादा जगह से पानी आ रहा है तो ठीक है ज्यादा मोशन में आना चाहिए, लेकिन जैसे हम उसको दबा के कम करना चाहेंगे तो स्पीड कम होनी चाहिए क्योंकि पानी कम आ रहा है, लेकिन उल्टा होता है, जैसे ही हम एरिया कम करेंगे पानी की स्पीड बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है, किस तरह से हम इसको साइंस की टर्म में एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखो अब जो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये बेस्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम पहले पाइप तो कंसीडर कर लें कि ये हमने पाइप ले ली, ठीक है, ये इसका हमने एरिया ले लिया ए वन, ये ले लिया हमने ए टू। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पे जो पाइप हमने लिए यहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है, ठीक है, ये पाइप यहाँ से ज्यादा बड़ी है, यहाँ पे ये नैरो है, तो ऐसा क्यों, कोई कंपल्सरी नहीं है, दोनों एक ही साइड से एक ही जैसे ले सकते हैं, कम ज्यादा ले सकते हैं, तो हमने पहले कम ज्यादा ले लिया, फिर स्पेशल केस के अंदर एक जैसे आ जाएंगे, ठीक है। और ये हमने ऊपर क्यों उठाई हुई है, क्योंकि जनरली जब हम पानी दे रहे होते हैं तो हम ऊपर ही उठाते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे पकड़ के ऐसे डाल देते हैं पानी को, ठीक है, कहीं पर भी हमें पानी डालना होता है तो उस पाइप को हम ऐसे करते ऊपर उठा के इस शेप में लेते हैं। अगर ये शेप नहीं रखनी, ऐसे रखना तो स्पेशल केस में ये ऐसे आ जाइए, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे इस पोजिशन को मान लो पोजिशन ए, ये पोजिशन होगी पोजिशन बी। मान लेते यहां से जो लिक्विड क्रॉस कर रहा है, जो भी जितना भी लिक्विड यहां से क्रॉस करेगा उसकी वेलोसिटी होगी वी वन। ए पोजीशन को, सिर्फ इस पोजीशन को, इसके एरिया को जितना लिक्विड क्रॉस कर रहा है उसकी वेलोसिटी वी वन है। यहां से जो लिक्विड क्रॉस कर गया बी पोजीशन को, उसकी वेलोसिटी है वी टू। बीच में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कम है या ज्यादा है, छोड़ो उसको, ठीक है। तो इसमें बीच की वेलोसिटी को हम नहीं ले रहे हैं अभी के लिए, तो हमने स्टार्टिंग वाली और लास्ट वाली वेलोसिटी को इंक्लूड कर लिया। वेलोसिटी हो गई, मान लेते हैं अब कोई भी पाइप होता, देखो जितना जो पानी यहां से एंटर करेगा वही पानी तो यहां से निकलेगा, ऐसा तो है नहीं यहां से हमने पानी डाल रहे हो और यहां से हमें पेट्रोल मिल रहा, ऐसा तो होगा नहीं, वरना तो सभी निकाल लेते। तो जो भी मटेरियल इस पाइप में हम यहां से डालेंगे वही मटेरियल यहां से निकलेगा। तो यहाँ पे डेंसिटी, ए पॉइंट पर डेंसिटी रो वन है और बी पॉइंट पर डेंसिटी रो टू है, और रो वन और रो टू एक ही है, मतलब दोनों डेंसिटी सेम है, सिर्फ हम नंबरिंग दे रहे कि यहाँ पे रो वन यहाँ पे रो टू है, ठीक है, सिर्फ पोजीशन की वजह से, वरना
एक ही जैसी डेंसिटी, दोनों एक ही लिक्विड की, और रो वन इज इक्वल टू रो टू है। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं कि जैसे कि देखो ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो ये एरिया होता है, यहाँ पे हम लेंगे कि इस एरिया को क्रॉस करने के लिए इसको टाइम लग रहा है डेल्टा टी, मतलब यहां से जो लिक्विड एंटर कर गया पीछे से और निकला तो उसको डेल्टा टी टाइम लगा। अब डेल्टा टी कैसे, जैसे बोतल हो गई ठीक है, अब ये इसका एरिया है एंटर करने वाला और एग्जिट करने वाला एरिया है, तो यहाँ पे जो ये एरिया है ये इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है और इस थिकनेस को क्रॉस करने में कुछ तो टाइम लगेगा, उसी को हम मान रहे डेल्टा टी टाइम। तो यहाँ पे डेल्टा टी टाइम लग रहा है इसको क्रॉस करने के लिए ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वो कितना लिक्विड क्रॉस कर ले, देखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लिक्विड इन टाइम डेल्टा टी, डेल्टा टी टाइम के अंदर वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। अब देखो डिस्टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय लिक्विड इन टाइम डेल्टा टी एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए तो स्पीड कितनी है ए के ऊपर वी वन, कितना टाइम लग रहा है डेल्टा टी, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने वी वन डेल्टा टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब हम देखते हैं कि अब देखो हमने ये तो ले लिया कि वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए कि इतने एरिया में से कितनी क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लो कर गया, वो जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी का मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब मास ठीक है, कितना मास बाहर निकला है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे मास फ्लक्स। मास फ्लक्स निकालने के लिए हम लेते हैं मास ऑफ फ्लूड, मास ऑफ फ्लूड क्रॉसिंग पॉइंट ए, मास ऑफ फ्लूड क्रॉसिंग पॉइंट ए, मास का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा एरिया इनटू डिस्टेंस, तो वॉल्यूम की जगह लिख दो एरिया इनटू डिस्टेंस, और डेंसिटी लिक्विड की हमें पता ही है ए के ऊपर है रो वन, तो रो वन एरिया को ए पर एरिया कितना है ए वन, डिस्टेंस कितनी ऊपर से लिखो वी वन डेल्टा टी और रो वन, ये तो हो गया जितना मास इसको क्रॉस कर रहा है डेल्टा टी टाइम के अंदर, तो बहुत थोड़े से ही मास क्रॉस कर पाएगा, तो उस थोड़े से को हम मान लेते हैं डेल्टा एम, तो यहां पे ये आ जाएगा डेल्टा एम डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू ए वन वी वन रो वन, ये तो हो गया एम ए पर, ए पॉइंट पर। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं बी पॉइंट के ऊपर, तो बी पॉइंट पे कितना हो जाएगा डेल्टा एम बी, सिमिलरली फॉर बी, सिमिलरली ठीक है, सिमिलरली फॉर पॉइंट बी इज इक्वल टू डेल्टा एम बी डिवाइड बाई डेल्टा टी ए टू वी टू रो टू। अब देखो अब यहाँ पे लॉजिक आ रहा है कि यहां से इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानो इक्वेशन सेकंड, अब हमें करना है कंपेयरिंग वन एंड टू, और वो क्यों करना है कंपेयरिंग वन एंड टू, कंपेयर कैसे कर सकते, कंपेयर करने के लिए तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल होना पड़ेगा या फिर राइट हैंड साइड इक्वल हो ठीक है। अब राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं पता नहीं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल हमें करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा और कैसे करेंगे, देखो ये जो मान लो ये पाइप है ठीक है, ये जो पाइप होगी यहां से जितना लिक्विड इसके अंदर एंटर करेगा उतना ही तो बाहर निकलेगा, ऐसा तो है नहीं, देखो अगर हम इस पाइप में कोई छेद कर दें ठीक है, यहां से बिल्कुल छेद कर देंगे तो पानी यहां से जगह यहां से बिल्कुल दूर जाके पानी गिर रहा होगा ऐसे फुहारे की फॉर्म में ठीक है,
तो उस केस में तो ये जो क्वांटिटी यहां से एंटर की और निकली अलग अलग होगी। बट मान लो कि ये पाइप बिल्कुल न्यू है, न्यू पाइप है, कोई बीच में से क्रैक नहीं हो रखा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई जिन विन तो है नहीं जो जादू से पानी को बढ़ा देगा, या फिर कोई डेविल भी नहीं है जो पानी को खा जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा पानी है, जितना यहां से एंटर करेगा उतना ही निकलेगा। क्लियर है? जितना पानी, मान लो यहां से अगर 1 लीटर पानी गया तो यहां से 1 लीटर ही बाहर निकलेगा, अगर यहां से पाइप के अंदर होल नहीं है, कोई छेद नहीं हो रखा है। तो उस केस में जो ये वाला मास फ्लक्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, मास फ्लक्स, मास फ्लक्स एट ए, मास फ्लक्स एट ए इज इक्वल टू मास फ्लक्स एट बी, क्योंकि जितना लिक्विड एंटर किया उतना ही लिक्विड बाहर निकल गया। तो जब हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो ए वन वी वन रो वन इज इक्वल टू ए टू वी टू रो टू, डेंसिटी दोनों सेम है, कैंसल आउट, तो ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। क्लियर? तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा हमेशा, ए वी प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू वेलोसिटी शुड बी कॉन्स्टेंट ऑलवेज। मतलब क्या हो गया इस बात का, देखो यहां से ये निकल गया एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जैसे देखो इस फर्स्ट केस के अंदर, यहाँ पे जो फोटो दिखाया गया, इस फर्स्ट केस में जब हम पाइप से ऐसे पानी डाल रहे हैं तो इसका एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा, वेलोसिटी कम है, ठीक है। मान लो एरिया की वैल्यू है 4 और वेलोसिटी की वैल्यू है 2, तो प्रोडक्ट आ गई 8। अब सेकेंड केस में देखो, सेकेंड केस में हमने क्या कर दिया, फिंगर रख के इसकी स्पीड को कम, एरिया को कम कर दिया, एरिया को कम कर दिया, मान लो 2 कर दिया, ठीक है, ये मार्क कर ही नहीं चल रहा, एरिया को हमने कर दिया 2। अगर हम यहाँ पे फिंगर रख के इसके एरिया को कम कर रहे तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, लिक्विड की स्पीड बढ़ गई है, स्पीड बढ़ के कितनी हो गई, 4 हो गई, तो ओवरऑल प्रोडक्ट रहेगी 8। तो इसका मतलब यही है कि जो एरिया और वेलोसिटी की प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम रहती है। अगर एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो एरिया कम हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो गया। अगर एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, एरिया डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब यहां से हम एग्जाम्पल ले रहे रिवर का, जो रिवर होती है, ठीक है, जो रिवर के अंदर पानी को फ्लो होता है सभी ने ऑब्जर्व किया है। तो यहाँ पे जो रिवर का पानी है, ऊपर जो उसकी वेलोसिटी होती है, और ये इसकी मान लो बॉटम है, रिवर की बॉटम है, यहाँ की जो वेलोसिटी होती है, यहाँ की वेलोसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। देखो क्यों, क्योंकि ऊपर जो रिवर का एरिया बहुत कम है, एरिया कम है वेलोसिटी ज्यादा है, एरिया बढ़ रहा है वेलोसिटी कम हो रही, एरिया बढ़ गया वेलोसिटी और कम हो गई, नीचे आते आते एरिया क्या होगा, बहुत ज्यादा हो गया। अगर एरिया ज्यादा हो गया इसलिए वेलोसिटी यहाँ के कंपैरिजन में कम रह गई है, तो रिवर के अंदर पानी ऊपर ज्यादा तेज फ्लो कर रहा बजाय की बॉटम में, बॉटम में वाटर की स्पीड बहुत ज्यादा कम होती है, बहुत स्लो होती है। तो ये भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसको हम कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोलते हैं, मतलब जितना मास एंटर कर रहा उतने ही एग्जिट करेगा, बीच में कहीं पे नहीं गुम हो रहा मास, ना ही पाइप फटी हुई है, ना ही हमने दूसरी पाइप लगा के उसके अंदर और ज्यादा पानी डाल रही है, तो इसलिए हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे इक्वेशन बर्नौलीज थ्योरम।